लाखों की लहसुन से भरे वाहन को लूटकर ड्राइवर को अपहरण कर एक स्थान पर घंटों के बाद छोड़ने के गंभीर लूट के अपराध मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्रामीण थाना सेंधवा अंतर्गत हुई लूट की वारदात में 12 घंटे में 11 अपराधी पुलिस ने पकड़े हैं। 50 पुलिस कर्मियों की टीम ने पकड़े लूट के अपराधी, जहां मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से सटे गांव में मध्य प्रदेश में मिनी ट्रक लूटने आए थे अपराधी। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि लहसुन वर्तमान में काफी महंगा बिकने लगा है, इसी के चलते लूट के मकसद से यह काम किया गया, जहां पुलिस अब अपराधियों से पूछताछ करेगी। अपराधियों में 2 का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में दर्ज। मामले में पूछताछ के बाद भी और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आरोपियों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4 लाख का लहसुन लूटा गया। वाहन और 15,000 नकदी समेत लूट में प्रयुक्त वाहन भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। अभी भी 3 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, सेंधवा ग्रामीण थाना पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने यह मामले का खुलासा किया है। लहसुन की एक बड़ी लूट का खुलासा किया है, क्या मामला है सर? कल दिनांक 22 फरवरी को पवन क्षीरसागर, जो कि नासिक का रहने वाला है, उक्त व्यक्ति थाने पर थाना प्रभारी के पास एक घटनाक्रम लेकर आया था, जिसमें उसने बताया था कि 21 तारीख को रात को 9 बजे वो इंदौर से करीब 4,000 किलोग्राम लहसुन से भरा पिकअप वाहन लेकर चला था और नासिक को जा रहा था। और रात को करीब 1 बजे जब वो बिजासन घाट को क्रॉस कर रहा था, तभी पीछे से तूफान एक फोर व्हीलर गाड़ी में करीब 14 से 15 लोग के द्वारा पिकअप वाहन को रोका गया और उसके हाथ पैर बांध कर चाकू की नोक पर उसको तूफान गाड़ी में बिठाया गया और करीब 2 से 2.5 घंटे तक उसको वाहन में मारपीट के उपरांत घुमाते रहे और लास्ट में सुबह 4 बजे के आसपास हाईवे पर ही छोड़ दिया। और जब उसने देखा कि उसके पास मोबाइल फ़ोन तो मौजूद था, लेकिन 4,000 किलोग्राम की जो लहसुन वो इंदौर से नासिक ले जा रहा था और पिकअप वाहन जिसमें वो ले जा रहा था वो मौजूद नहीं थी। उक्त घटनाक्रम के उपरांत जो फरियादी था पवन, उसने अपने मालिक से बात की और उसके उपरांत कल दिनांक 22 को वो सेंधवा ग्रामीण TI से मिला था। ये एक सनसनीखेज डकैती की वारदात थी, जिसमें अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के द्वारा एक वाहन चालक, जो कि लहसुन का एक बड़ा कंसाइनमेंट नासिक लेकर जा रहा था, उसके साथ लूट की गई थी। उक्त घटनाक्रम को पूर्ण गंभीरता से लेते हुए बड़वानी पुलिस के द्वारा 50 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसका ओवरऑल नेतृत्व SDOP सेंधवा श्री कमल चौहान ने किया और दिलीप पुरी थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण के नेतृत्व में उक्त 50 लोगों ने अलग अलग आयामों में लगातार 12 घंटे तक पड़ताल की, जिसमें फरियादी जो जो घटनाक्रम बता रहा था उसकी एक एक बात को काफ़ी गंभीरता से एनालाइज किया गया, समस्त आसूचना तंत्र को मुस्तैद किया गया, उनसे लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम पूर्व में जिन लोगों ने किया है उनके बारे में पतारसी की गई। हेडक्वार्टर में हमने एक अलग से सेपरेट टीम बिठाई थी, जिसमें आसपास के एरिया के जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जो हथियारबंद होकर हाईवे पर लूट डकैती करते हैं, उनके बारे में गहन अध्ययन किया गया था। और इसके साथ ही जहां पर घटना स्थल है उसके आसपास के 40 से 50 किलोमीटर के एरिया को सघन सर्च किया गया था, क्योंकि लहसुन की तीक्ष्ण गंध जो होती है वो कई बार पुलिस को एक अच्छे क्लू दे देती है। तो लगातार 12 घंटे की मेहनत से पुलिस को एक अहम सुराग मिला, जिसमें घटना में जो चार पहिया वाहन तूफान यूज़ हुआ था उसके वाहन स्वामी की जानकारी पुलिस को मिली। उक्त वाहन स्वामी महाराष्ट्र जिला धुले का निवासी था। उससे पूछताछ करने पर यह पाया गया कि उक्त चार पहिया वाहन को कुछ दिनों पहले ही उसने सचिन पिता चरण सिंह, जो कि खंबाला थाना सांगवी का निवासी है, उसको बेचा था। पुलिस ने सचिन की तलाश की और सचिन की तलाश करते करते खंबाला, जो उसका निवास का गांव है, वहां पर पुलिस पहुंची और घेराबंदी करके सचिन को जब पकड़ा। इनिशियली सचिन ने घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस अलर्ट थी और जिस जगह से सचिन को कस्टडी में लिया था वहीं से लहसुन की तीक्ष्ण गंध भी आ रही थी,
जिसके आधार पर पुलिस ने आसपास के एरिया को की छानबीन की और वहाँ पर जो लूटा गया 4,000 किलोग्राम लहसुन था वो पूरा सचिन की जिस एरिया से कस्टडी में लिया गया था उसी एरिया में पाया गया, जिस पर सचिन इसके बाद पूरी तरीके से टूटा और पूरी घटना उसने करना कबूला और उसने बताया कि हम करीब 15 लोग थे और तूफान गाड़ी जो उसने ख़रीदी थी उसके थ्रू उन्होंने घटना कारित की थी और ये जो लहसुन से भरी पिकअप वाहन थी इसको उन्होंने करीब 40-50 किलोमीटर हाईवे पर रेकी किया था और चूंकि वाहन चालक अकेला था इसलिए उक्त वाहन को ही इन्होंने टारगेट किया था और बिजासन घाट में जहाँ पर गाड़ियाँ जिनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है तो वहाँ पर मौका पाते हुए इन्होंने डकैती की वारदात की थी। सचिन की गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी दिलीपपुरी की टीम आगे बढ़ी और अगले कुछ ही घंटों में घटना में जो कुल 15 लोग थे उनमें से 11 लोगों को खंबाला गांव से ही और आसपास के क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। इस प्रकार महज 12 घंटे की अवधि में कुल 11 लोगों को थाना सेंधवा ग्रामीण की टीम ने गिरफ्तार किया। घटना में लूटा गया 4 लाख का लहसुन, 8 लाख की पिकअप और 15,000 नगद, इस प्रकार से कुल 12,15,000 का मशरूका बरामद किया गया और समस्त अपराधियों को पकड़ के टीम थाने पर पहुंची। इस पूरी वारदात में जो 2 आरोपी हैं सचिन और दिनेश, इनके महाराष्ट्र में पूर्व में भी डकैती के अपराध मिले हैं। इस बात पर, इस तथ्य पर हम महाराष्ट्र पुलिस से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और इसके साथ ही हाईवे पर हथियारों से लैस होकर डकैती करने वाली इस पूरी गैंग को 12 घंटे में 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके जो उत्कृष्ट कार्य थाना सेंधवा ग्रामीण की टीम ने किया है उस पर हम बड़वानी पुलिस की ओर से इन्हें 10,000 के कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत कर रहे हैं। बाकी के जो 4 आरोपी हैं उन पर भी आज मेरे द्वारा 10,000 का कोई कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया है। हम जल्दी ही उन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी करेंगे और इसके साथ ही जो 11 आरोपी हैं उनको भी हम पुलिस रिमांड पर लेंगे और आगे की जो इनकी योजनाएं थी या पूर्व में इन्होंने यदि मध्य प्रदेश की सीमाओं में कोई अपराध किए होंगे उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लहसुन महंगा है, लहसुन मार्केट में महंगा है, तो क्या ये आरोपियों ने ये भी कबूल किया है कि लहसुन महंगा होने के कारण उन्होंने लहसुन को टारगेट करके लूट की है? देखिए, इस तथ्य की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जो प्रारंभिक पूछताछ अभी तक हुई है उसमें उन्होंने उक्त पिकअप चालक के अकेले होने को बड़ी वजह बताया है कि उन्होंने इसे टारगेट किया, बट जो लहसुन के रेट्स अभी काफ़ी हाई हैं तो इस संबंध में भी हम उनसे पूछताछ करें। क्या लोकल कोई है सर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जैसे आपने बताया कि बैरियर से वॉच हुआ है, तो ऐसा संभावना जताई जा सकती है कि लोकल कोई? देखिए, अभी तक की पूछताछ में लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, लेकिन उसकी अगर संभावना होती है तो उस एंगल से भी पुलिस इन्वेस्टिगेट। इस तरह की घटना को पहले भी किया है, इस तरह से कोई बात कबूल नहीं? जी, जैसा बताया सचिन और दिनेश जो 2 आरोपी हैं इन लोगों के पूर्व में गन्ना कटाई के दौरान डकैती करने के अपराध महाराष्ट्र में पंजीबद्ध हैं, जिसको हमने जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल होता है उससे निकाला है। इसके साथ ही हम महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि अगर उन अपराधों में इनकी जमानत हुई होगी तो हम समन्वय स्थापित करके पूर्व के प्रकरणों में इनकी जमानत निरस्तीकरण के लिए भी इस समन्वय करेंगे। जिस वाहन से घटना को अंजाम दिया थी आप बताने के लिए, वो भी जब्त हुआ? जी, इसमें जो घटना में प्रयुक्त वाहन था वो भी जब्त हुआ है, जो लूटा गया वाहन था पिकअप वो भी जब्त हुआ है, लहसुन जब्त हुई और नगद भी जब्त हुआ है। श्रीमान, घटना में आरोपियों ने घातक हथियारों का उपयोग किया, आरोपियों से हथियार बरामद हुए? जी, इसमें जो एक चाकू अभी फिलहाल हम रिकवर कर पाए हैं और उसी का यूज़ जब पिकअप वाहन को रोकने में और उसको बिठाने में किया गया था तो उस चाकू को भी बरामद। फरियादी के साथ मारपीट वगैरह भी कुछ? जी, जैसा कि बताया कि डकैती की वारदात हुई है तो उसमें न सिर्फ इन्होंने लहसुन को लूटा था बल्कि फरियादी के साथ मारपीट भी की थी और 2 घंटे तक उसको लगातार घुमाते रहे और लास्ट में हाईवे पर छोड़ा। सेंधवा से अरविंद कुशवाहा के साथ मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।